हाय दोस्तों, एस एम आर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं नाम दीपक कदम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए दोस्तों। ये देखो एम आई का 4i मॉडल नंबर है। तो अभी फिलहाल मोबाइल ऑन है लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है दोस्तों। डिस्प्ले पे ग्राफिक आ रही है लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है। तो आप लाइट सोल्यूशन बताने वाला हो कि इसको लाइट का, आपके पास जब भी ये लाइट वाला जो प्रॉब्लम आया तो क्या करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो पहले ही मैंने मॉडल नंबर बताया था और ये देखो मॉडल नंबर है 2015015। तो एम आई 4i इसको बोलते हैं दोस्तों। तो इसका लाइट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसके लिए मेरे को मोबाइल ओपन करना पड़ेगा पहले। ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये देखो मोबाइल ओपन कर दिया है, तो इसे रिमूव करते पहले बैटरी को। ठीक है, तो यहाँ देखो जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ एक उसका जो आईसी है यहाँ है, इस साइड में एक कॉयल है, यहाँ एक डायोड है, यहाँ एक कैपेसिटर है। तो पहले मैं यहाँ देखूंगा कि कहीं वाटर डैमेज हुआ है क्या नहीं। कहीं भी वाटर डैमेज नहीं हुआ है दोस्तों, तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कॉयल को चेंज करके ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि देखते हैं। 100% इस कॉयल में ये प्रॉब्लम है, तो पहले इसे हम चेंज करेंगे। मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड में से ही निकाल के कॉयल चेंज करके जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ तो ठीक। इसके बाद में मिस यहाँ देखो यहाँ जो आईसी है आईसी को चेंज कर दूंगा। तो कहीं भी यहाँ ऑटो डैमेज नहीं है, तो पहले इस कॉयल को चेंज करके देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों। तो मेरे इसके लिए मेरे पास दूसरा वाला स्क्रैप बोर्ड है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखो दोस्तों यहाँ मेरे पास एक डेड वाला बोर्ड है, तो इसमें काम है इस पहले कॉयल को चेक करूँगा, चेंज करके देखूँगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता है कि नहीं दोस्तों। तो इसके लिए मेरे को इसे कैच बोर्ड को लगाना ही पड़ेगा। थोड़ा यहाँ फ्लक्स लगाओ ताकि पार्ट निकालने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इस कैपेसिटर में भी जाता है, तो पहले हम इस कॉइल को चेंज करेंगे। हॉटगन थोड़ा ज़्यादा हीट हो गई है अभी, और एक बार इसको यहाँ पेस्ट लगाओ ताकि इससे जो हम कॉइल पिटाने वाले हैं इससे अच्छी तरह से यहाँ फिट हो जाए दोस्तों।
यहाँ देखो हमने जो चेंज किए वो चेंज, यहाँ देखो यहाँ हमने चेंज किए कॉइल, तो यहाँ से निकल के वाली कॉइल चेंज किए, अभी देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम लाइट का था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो इसके बाद जो नई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो इस कैपेसिटर को भी मैं चेक कर बदल के आपको चेक करके दिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों चेंज करके भी नई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो इस आईसी को चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये देखो दोस्तों जो हमारा प्रॉब्लम था डिस्प्ले लाइट का वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो अभी हमें इसे ओपन ऑन करते हैं। तो जो हमारा प्रॉब्लम था किसमें था, आपको एक सेकंड, यहाँ देखो ये देखो मोबाइल पिन ऑन हुआ। जो हमारा प्रॉब्लम था दोस्तों यहाँ देखो इस कॉइल में था, कॉइल खराब होने के कारण डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही थी, कहाँ भी वाटर डैमेज नहीं हुआ था। और एक बार बताता हूँ दोस्तों, ये चेंज करने के बाद इस कैपेसिटर को तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो बाद में आपको एक बार इस कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा, तब भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ही आईसी को चेंज ना करें दोस्तों, पहले इसको चेंज करके देखिए कि हमारा जो प्रॉब्लम है डिस्प्ले लाइट का सॉल्व होता है कि नहीं दोस्तों। 100% सॉल्व हो जाएगा इस कॉइल को चेंज करने से, ठीक है। जब भी आपके पास आया ऐसा मॉडल तो यहाँ कोई वाटर डैमेज नहीं, टोटल क्लीन बोर्ड है, तो पहले आपको कॉइल चेंज करके देखिए, बाद में इस कैपेसिटर को देखिए। जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ तो आप लास्ट में इस आईसी पे ट्राई कीजिए, 100% सॉल्व होगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखो हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है, डिस्प्ले पे ग्राफिक भी आ रही है, लाइट पन आ रही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जो हमारा प्रॉब्लम था उस कॉइल में था दोस्तों, अभी देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये देखो जब भी, और एक बार बताता हूँ दोस्तों, जब भी आपके पास आया क्लीन वाला बोर्ड रहेगा तो पहले कॉइल चेंज करके देखो। और एक बार इसमें, और एक मैंने ऐसे ही मोबाइल पे एक प्रॉब्लम देखा है कि पहले बार एमआई दिखाता है, बाद में ग्राफिक तो दिखाता है लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं दिखाता है। वो तब भी ये कॉइल जाने की वजह से होती है, कनेक्ट डिसकनेक्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरी बात, आपका ब्राइटनेस वीक रहता है, क्या होता है कि कितना भी पुल करो तो वीक रहता है, तो उस टाइम इस कैपेसिटर को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा सेक्शन है यहाँ से, बाद में ये दो कॉयल और एक कैपेसिटर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपको तीसरी टाइम जो हमारा लास्ट लास्ट ट्राई रहेगा, तो इस आईसी को चेंज करके 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखो जो डिस्प्ले लाइट का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ दोस्तों, थैंक यू।